हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु डायरीज ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, दिन की शुरुआत मेरी कुछ इसी तरीके से होती है डेली, और मैं छोटी छोटी चीज़ें जो करती हूँ अपने काम से पहले, अपने काम के बाद, वो सब आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे बेटे ने ना कुछ गिरा दिया था, जिसकी वजह से मुझे पूरे में पोछा लगाना पड़ा और वो सूख नहीं रहा है। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपने अगारो का इलेक्ट्रिक स्पिन मॉप, और इससे ना पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा, प्लस जहाँ पर नीचे हाथ नहीं जाते ना, वहाँ भी आपका हाथ आराम से जाएगा। इसमें एलईडी लाइट भी होती है, जिससे कि दिख जाता है कि भाई कहाँ पर क्या कुछ गिरा हुआ है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप भी अपने काम को आसान बना सकते हो अगारो के इलेक्ट्रिक स्पिन मॉप से। आपको अगर ये परचेज करना हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। तो ये सब काम करने के बाद फ्रेंड्स, मैं अपने मेन्यू को सेट करती हूँ, जो मैं अपने 1 बजे की लाइव क्लास में लेकर के आती हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स, मैं वो सारी रेसिपीज़ पूरा ट्राई करने की कोशिश करती हूँ जो मेरे व्यूअर्स मुझसे डिमांड करते हैं। तो ऐसे ही मेरे एक प्यारे से सब्सक्राइबर ने मुझसे डिमांड की थी कि मैम फ्राइड नूडल्स बनाइए। तो भाई, नूडल्स मुझे बनानी थी क्योंकि रिक्वेस्ट भी थी, पर अगर नूडल मार्केट के ले लूँ तो फिर क्या ही मज़ा। तो उसके लिए ना मैंने अपने घर में ही नूडल्स बनाई। तो उसके लिए सूजी का ये डो तैयार किया था मैंने, और इसकी कंप्लीट रेसिपी तो भाई आपको मेरे मेन चैनल तारा मधु की रसोई की ऑनलाइन लाइव क्लास में मिलेगी। बट अब वो क्लास अवेलेबल नहीं है, वो केवल आपको मेंबरशिप में ज्वाइन करने के बाद ही देख सकते हो। तो उसके लिए मैंने डो तैयार किया था, और ली मैंने अपनी ये बहुत ही पुरानी, मतलब अपनी मदर इन लॉ के टाइम की ये नूडल्स बनाने वाली या सिवई बनाने वाली मशीन। और बस पानी के अंदर फ्रेंड्स मैंने नूडल्स को बनाया, ये देख सकते हो किस तरीके से, और बस स्टीम से मैंने इसे बॉईल किया, और ऐसे ही मैंने इससे बनाई फ्राइड नूडल्स। अभी पूरी रेसिपी देखिएगा, जितना मैं दिखा सकती हूँ फ्रेंड्स, कोशिश करती हूँ कि आपके लिए वो सारी चीज़ें लाऊं। तो ये मशीन फ्रेंड्स मेरे मदर इन लॉ के टाइम की है, अब तो वो नहीं है इस दुनिया में, उनका नाम ही है बस तारा मधु की रसोई, तारा उन्हीं का नाम है। तो ये मशीन उनके पास थी, फिर जब मैं उनके घर में आई तो ये मेरे पास आ गई है, और उसी को आज मैं यूज़ कर रही हूँ। मैंने कोई नई मशीन नहीं ली है। और यहाँ पर देखिए, पानी में मैंने ये नूडल्स डाले हैं, और मीडियम टू हाई फ्लेम पर आपको इन्हें कुक करना है, यानी कि पकाना है। और यहाँ पर ना बहुत से लोग पूछते हैं कि पता कैसे लगेगा भाई कि नूडल्स पक गए हैं। तो देखिए, नूडल ना थोड़े अपने साइज़ में ना फूल जाएंगे, सूजी के हैं तो भी, आटे के हैं तो भी, और मैदे के हैं तो भी, अपने जो रेगुलर उनका साइज़ है उससे वो फूल जाएंगे। और मैदा हो, सूजी हो, ये सब ना स्टार्च छोड़ते हैं पानी में। तो आप देख सकते हो पानी में झाग झाग हो रहा है, और मैं धीरे धीरे छलनी से इसे हिला रही हूँ, तो इससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि भाई नूडल्स पक रहे हैं। और अगर टाइम से नोट करें तो 10 से 12 मिनट में ये नूडल बन जाते हैं। अब मैंने दूसरे बाउल में ना पानी ठंडा वाला ले लिया है, चाहो तो इसमें बर्फ़ डाल लो, क्योंकि नूडल्स पकने के तुरंत बाद हम ठंडे पानी में डाल के उनको शॉक देंगे, ताकि उनकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और वो बिल्कुल भी स्टिकी ना हो, एक दूसरे से चिपके नहीं। तो यहाँ पर मैं अपनी क्लास में यही समझा रही हूँ, और 10 से 12 मिनट इसी तरीके से हमने वेट किया, और नूडल अपने साइज से जब फूल गए, 12 मिनट हो गया, तब तुरंत मैंने इन्हें निकाल के डाल दिया ठंडे पानी वाले बाउल में। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, अब आप भी मार्केट के नूडल्स को ना मंगा के घर पर बच्चों को फ्राइड नूडल्स या स्प्रिंग रोल या नूडल्स जो चाउमीन वगैरह बोलते हैं खाने के लिए, वो दे सकते हो। अब देखो, मार्केट में बोल के तो देते हैं कि यह आटा नूडल है या सूजी नूडल है, पर आपने कभी सोचा है कि क्या सच में वो चीज़ें उसके अंदर होती हैं, या सिर्फ केवल बेचने के लिए वो लिख देते हैं। पर आप अपनी सेहत, अपने बच्चों की सेहत के संग खिलवाड़ ना करें, और घर में जब चीज़ें बन सकती हैं तो बनाएं। अब देखिए, मैं यहाँ पर लाइव में बहुत कुछ आपको हेल्दी रेसिपीज़ बताती हूँ, आटा नूडल बताई मैंने, पापड़ बताए मैंने आपको, सूजी के नूडल्स बताए, इस तरीके से बहुत सी रेसिपीज़ मैं घर में बनने वाली जो हेल्दी हैं, सेफ हैं, वो बताती हूँ। वो कहते हैं ना फ्रेंड्स, घर की बनी तो मैदे की भी चीज़ मानोगे तो हेल्दी होगी, क्योंकि बाहर मालूम नहीं कौन सा मैदा वो यूज़ कर रहे हैं, कौन सी साफ सफाई से वो उन चीज़ों को बना रहे हैं, किस माहौल में बना रहे हैं, और कौन से इंग्रेडिएंट कितने हद तक क्लीन है, साफ है, वो बना रहे हैं। मैदे में फ्रेंड्स अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि बरसात के मौसम में क्या बाजार वाले उन चीज़ों को देखते होंगे? वो ये सब कुछ नहीं देखते होंगे, और जैसे जो प्रोसेस हो रही है वो बनाएंगे। इवन कई चीज़ें एक्सपायर भी हो जाती हैं, वो भी नहीं देखते और बनाते हैं, और भुगतना हम लोगों को पड़ता है फूड पॉइजनिंग, सेहत में उल्टी सीधी चीज़ें खाने से जो ड्रॉबैक्स होते हैं, बच्चे बीमार पड़ते हैं, समझ में नहीं आता कि भाई ये बार बार क्यों बीमार पड़ रहे हैं, वो सब इन्हीं का नतीजा है।
और हम होम मेकर या हम वो हाउसवाइफ हैं जो जब ये सारी चीजें बनाना जानते हैं तो क्यों ना अपने घर में ट्राई करें। हाँ, इन चीजों में समय जरूर लगता है फ्रेंड्स, बट बच्चों की अच्छी सेहत के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए इतना तो मेहनत हम कर ही सकते हैं। आपकी इसमें क्या राय है मुझे जरूर बताना, क्योंकि देखो मैं तो डेली अपनी ये सारी चीजें सिखा कर अपने बच्चों को काफी हद तक हेल्दी दे रही हूँ, और आप भी इन चीजों को अगर देखते हो सीखते हो तो देख करके कुछ नहीं होने वाला फ्रेंड जब तक ट्राई नहीं करोगे। तो ट्राई करने से वो चीजें आपको आएंगी भी, लगातार प्रैक्टिस करने से आपका हाथ भी बैठेगा, और फिर नेक्स्ट टाइम जब भी ये चीजें चाहिए होंगी ना तो आप कभी भी आलस नहीं करोगे, उन्हें तुरंत के तुरंत बना के दे दोगे। और मैं तो ना ऐसी ऐसी रेसिपीज बताती हूँ जो आप शाम में बना लो, सुबह बच्चों को ब्रेकफास्ट में दे सकते हो। तो प्लीज लाइव क्लासेस को देखिए, सीखिए, कुछ नहीं तो अपने घर वालों को हेल्दी खाना दीजिए, और अगर चाहो तो ऐसी चीजों को बनाकर सेल भी कर सकते हो, क्योंकि आजकल ना हर चीज लोग घर की बनी पसंद कर रहे हैं, ऑर्गेनिक पसंद कर रहे हैं, और जब उनके इलाके में आप ऐसा कोई सामान बना के सेल करने लगोगे, लोगों को बताओगे, तो वो जरूर आपको प्रोग्रेस देगा। अभी हाल ही में इतने सारे फेस्टिवल्स पर मैंने फ्रेंड्स मिठाइयाँ बनानी सिखाई, लोगों ने वो भी बनाई सीखी, लड्डू, जलेबियाँ, कलाकंद, डोडा बर्फी, सोन पापड़ी, और बहुत से सेवरी आइटम भी बनाए। तो अभी दिवाली नज़दीक आ रही है, आप लोग भी अभी से तैयारियों में जुट जाइए, क्योंकि बहुत सी चीज़ों की ना शेल्फ लाइफ भी बहुत है। जरूरी नहीं आप दिवाली के दिन ही बनाओ, आप एक हफ्ता 10 दिन पहले इन चीज़ों को बनाओ, पैक करके रख दो। जैसे कि बहुत सी चॉकलेट्स भी मैंने अपने चैनल पर बताई हैं, तो आप वो बना लो और मेन इवेंट पर, फेस्टिवल्स पर इन्हें गिफ्ट करो, चाहो तो ऑर्डर भी ले सकते हो, सेल करो। तो जरूर इस बारे में सोचिएगा, क्योंकि जो काम करने वाला इंसान होता है ना उसके लिए कोई भी चीज़ हो वो आसान हो जाती है। और मेरे तो बहुत से व्यूअर बोलते हैं मैम केक्स के ऑर्डर नहीं आ रहे, क्या करें। तो देखो सीजन में कभी कभी होता है कि केक के ऑर्डर नहीं आते, ऐसा हमारे संग भी होता है, तो उस समय आप स्विच कर दो दूसरी चीज़ों पर और फिर उनको बना करके सेल करो। बातें तो फ्रेंड्स इतनी सारी बता दी। अब ये जो नूडल्स मैंने स्टीम करके बॉईल किए थे ना, उनको मैंने थोड़ी देर ऐसे ही ड्राई कर लिया, और फिर मैंने गर्मा गर्म ऑयल में डाल के इनको कर लिया डीप फ्राई। चलो फ्राई से काम नहीं होगा फ्रेंड्स, डीप फ्राई करना होगा, और सूजी की हैं तो काफ़ी हेल्दी बनेंगी और क्रिस्पी भी ये बनेंगी। अब पूछोगे आप कि भाई पता कैसा लगेगा कि क्रिस्पी हो गई, तो ये अपने साइज में, अपनी क्वान्टिटी में जब आधी हो जाए और 4 से 5 मिनट हो जाए हाई फ्लेम पर इन्हें फ्राई करते हुए, तब समझ जाना कि ये फ्राई हो चुकी है। तो बस इसी तरीके से मैंने अपने एक सब्सक्राइबर की डिमांड को पूरा किया, फ्राइड नूडल्स बना करके उनको दिखाए सिखाए, और उन्होंने भी बना के मुझे फोटोग्राफ शेयर की। तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं बनाती हूँ, आप लोग उसको शेयर करते हो, मन में इतनी खुशी होती है कि भाई चलो कुछ सिखाया तो लोगों ने उससे कुछ सीखा। तो ये सीखने सिखाने का जो सिलसिला है फ्रेंड्स वो तो अभी मेरे चैनल पर चल ही रहा है, तो आप भी उसमें जुड़िए, सीखिए, आगे बढ़िए। और अगर आप भी कोई रेसिपी चाहते हैं कि मैं अपनी लाइव क्लास में बनाऊं तो कमेंट कीजिए मेरे चैनल पर जो लाइव क्लास होती है। और फिर फ्रेंड्स अगर बहुत सारी डिमांड एक ही रेसिपी की आई तो मैं जरूर से जरूर ट्राई करती हूँ। अभी हाल ही में मैंने बहुत से व्यूअर्स की रिक्वेस्ट को पूरा किया है और उनकी पसंद की रेसिपीज को भी बनाया है। तो मेरी तो फ्राइड नूडल्स फ्रेंड्स बन गई, घर में बच्चों को बहुत पसंद आई और मेरे व्यूअर को भी पसंद आई। तो आपका क्या ख्याल है, रेसिपी को ट्राई करना, ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा सा मोटिवेशन आपको मिला हो, कुछ अच्छी चीज़ आपको सीखने को मिली हो, तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।